करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ और एक मेकओवर वीडियो। एक्चुअली टाइटल देखे आपको तो पता चल ही गया होगा कि मैं अपनी टीवी यूनिट मेकओवर की बात कर रही हूँ। और हमारा ये जो टीवी यूनिट है ना, ये जब हम लोगों ने घर का इंटीरियर का काम करवाया था उस टाइम पे बनाया था। उस टाइम पे तो मुझे वो लैमिनेशन बहुत पसंद था, बट धीरे धीरे क्या होता है ना, जब आप उस घर में रहने लगते हो तो 4-5 साल के बाद वो आपको थोड़ा सा बोर लगने लगता है और आप सोचते हो कि काश मैं उसको चेंज कर पाती। तो हम लोग भी वैसे ही सोच रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि लैमिनेशन चेंज करने के बिना अगर मैं दूसरा कुछ ऑप्शन लेके आती हूँ तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए बिना बक जाए के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है मेरा प्रीवियस टीवी यूनिट। इसका लैमिनेशन जो है ब्लैक और थोड़ा सा गोल्ड के कॉम्बिनेशन में है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता था पहले। अभी मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा सा चेंज करूँ। और ऊपर का जो वॉल आप देख रहे हो येलो कलर का, ये वॉल पहले येलो कलर का ही था, तो हम लोग इसको व्हाइट कलर में पेंट करेंगे। तो ऊपर का पोर्शन मेरे हस्बैंड के लिए मैंने छोड़ के रखा है, क्योंकि ऊपर का पोर्शन करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो सेल्फ है, ये ग्लास के सेल्फ है, तो इसको मैं आसानी से निकाल सकती हूँ। तो मैं इस बार सोच रही हूँ कि ये जो सेल्फ है इसको मैं हटा दूँ और ये जो बोर्ड है इसको मैं यहीं पे रहने दूंगी, क्योंकि ये इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा व्हाइट के ऊपर व्हाइट। और यहाँ पे स्पॉटलाइट दिया हुआ है। तो कुछ इस तरह से है हमारा टीवी यूनिट। और लैमिनेशन जो है हाई ग्लॉसी था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो ग्लास के सेल्फ है उसको हटा लेंगे। तो एक एक करके टीवी यूनिट के ऊपर जितने सारे चीज़ें हैं सारी चीज़ों को हम लोग हटा लेंगे। पहले क्या होता था, जो स्पीकर वगैरह रहता था उसमें बहुत ज़्यादा वायर रहता था, तो वो सब हम लोगों को निकालना पड़ रहा है। और पीछे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा वायर है, तो ये सब हम लोग इस बार हटा लेंगे। और टीवी को मेरे हस्बैंड निकाल रहे हैं, तो एक एक करके सारी चीज़ें हम लोग पहले निकाल लेंगे, उसके बाद ऊपर का पोर्शन पेंट करेंगे। और लैमिनेशन लगाने से पहले मैं पूरा जो टीवी यूनिट है उसको 2 बार क्लीन करूँगी, एक बार तो ड्राई कपड़े से, एक बार वेट कपड़े से, क्योंकि इसको अच्छी तरह से मैं क्लीन कर लूँगी। बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह भी रह जाता है। और यहाँ पे जो होल आप देख रहे हो ये वायर वगैरह ट्रांसफ़र करने के लिए है। और यहाँ पे हम लोग एशियन पेंट का जो वाइट बेस कलर होता है उसको यूज़ कर रहे हैं। ये हाई ग्लॉसी कलर है, बहुत अच्छा कलर है। तो पेंट कंप्लीट करने के बाद अभी हम लोग जो लैमिनेशन है उसको लगाएंगे। और ये जो लैमिनेशन आप देख सकते हो इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, टीवी यूनिट के लिए एकदम परफेक्ट है। बहुत ढूंढ के हम लोगों ने अमेज़न से ये लैमिनेशन निकाला है। और इसके पीछे का जो पोर्शन आप देख सकते हो, जस्ट स्टिकर के जैसा आपको पीछे का पोर्शन हटाना है और उसको स्टिक कर देना है। बहुत ही ईजी है, पैनल टाइप का है, तो ये बहुत आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हो, लगा सकते हो। नॉर्मली जो वॉलपेपर होता है ना उसको लगाने में बहुत दिक्कत होती है, बट इसको लगाना बिल्कुल भी दिक्कत की बात नहीं है। बहुत आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इसका जो बेस है ना थोड़ा सा थिक भी है, तो इसीलिए बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको वॉलपेपर के हिसाब से, मतलब टीवी यूनिट के ऊपर लगाया है। बहुत ही इजी है। और इसका बहुत सारा डिज़ाइन था, तो इसमें से ये डिज़ाइन हम लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि एज अ टीवी यूनिट का जो लैमिनेशन है उसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरह से एक के बाद एक हम लोग लगा लेंगे।
तो ये दो लेमिनेशन लगाने के लिए हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, बट अभी साइड का जो पोर्शन है उसको लगाने के लिए, ये जो बोर्ड है स्विच बोर्ड, उसके लिए थोड़ा सा कट करना पड़ेगा। तो इसको आसानी से इस तरह से कट करके हम लोग लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत ही अच्छी तरह से ये सेट हो रहा है और बहुत ही ईजीली हम लोग इसको यूज़ कर पा रहे हैं। ओके, तो आप देख सकते हो मैंने बीच का पोर्शन छोड़ दिया है और साइड का पोर्शन जो है उसको कवर कर लिया है, क्योंकि जो टीवी है ऑलरेडी बीच के पोर्शन में रहने वाले हैं। तो बीच का पोर्शन मैं अभी कट कट करके लगाऊंगी, छोटा छोटा जो पीसेस है उसको कट करके अभी बीच का पोर्शन मैं कंप्लीट करूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टीवी यूनिट का जो लुक है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है, एकदम से ब्लैक कलर से पूरा जो एरिया है वाइटेज हो गया है, लाइट ज़्यादा आ रहा है और स्पेस जो है बहुत ही बड़ा लग रहा है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से ये एकदम से लग ही नहीं रहा है कि कोई वॉलपेपर लगाया हुआ है, एकदम से लैमिनेशन ही लग रहा है। और अभी जो बीच का पोर्शन है ना, जो जहाँ पे होल था उसको हम लोग कट कर लेंगे। और ऊपर का जो पोर्शन है ये पहले तो बिल्कुल खाली रहता था, कोई भी शोपीस इसमें अच्छा नहीं लगता था, बट इस बार मैंने इसको कुछ शोपीस से डेकोरेट किया है। दो साइड में मैंने दो लैम्प रखा है, ये मैंने होम सेंटर से लिया है, इसका प्राइस बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। और ये जो स्वान आप देख रहे हो ना, ये टू पीस पे आता है, एक पेयर में आता है, एक छोटा एक बड़ा, जो मैंने न्यूली परचेज किया है और इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो मेरा कलर कॉम्बिनेशन है उसके साथ बिल्कुल मैच जाता है। और ये शोपीस तो पहले से ही मेरे घर पे था, बट हाँ इतना मैच नहीं कर रहा था पहले वाला जो लैमिनेशन था उस पर, लेकिन इस बार ये परफेक्ट लग रहा है। और ये है दूसरा वाला स्वान जो कि मैं दूसरे साइड में रखने वाली हूँ। और एक लफिंग बुड्ढा था जो उसी जगह पे रखा हुआ था सेल्फ में, तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है। और नीचे का जो पोर्शन है जहाँ पे स्विच दिया हुआ है, प्लग पॉइंट दिया हुआ है, उसको कवर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो फ्रेम रख दिया है। और जो हॉर्स था पहले से ये मेरे पास था, तो इसी शोपीस को मैं नीचे रख दूँगी, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन एकदम मैच हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो दो गमले हैं जिसको मैंने गोल्डन स्प्रे कलर से कलर किया है, तो रात को ही मैंने इसको कलर कर दिया था, अभी ये बिल्कुल ड्राई हो गया है, लेकिन कुछ कुछ पोर्शन जो है छूट गया था, जैसे नीचे का प्लेट का जो दूसरे साइड है उसको भी नहीं किया था, तो अभी मैं इसको कर दूँगी। और ड्राई होने के बाद मैंने इसमें एरिका पाम प्लांट रखा है जो मेरे घर में बहुत ही पहले से था, और मुझे ये प्लांट बहुत अच्छा लगता है लिविंग रूम के लिए, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। और प्लांट से अगर आप घर को डेकोरेट करोगे तो आपका घर और भी ज़्यादा फ्रेश लगेगा, अच्छा लगेगा। तो कुछ इस तरह से मैंने अपनी टीवी यूनिट को डेकोरेट किया है, बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। और हमने हमारे जो टीवी था उसको भी चेंज किया है, ये नोकिया कंपनी का है, ये हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है और इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो। मेकओवर आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आप चमचम पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हाँ अगर आप चाहते हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर भी कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड बाय।
बाय बाय।